गुजरांवाला सिटी पुलिस ऑफिसर सरफराज अहमद फल्की के अहकाम के पेश नज़र जिला भर में जराइम पेशा नासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। थाना फिरोजवाला पुलिस ने कमारबाज और डकैत व राजधनी की वारदातों में मुलव्वस मुख्तलिफ गैंग के 8 मुलजमान गिरफ्तार किए। मुलजमान के कब्जे से 4 लाख रुपए नकदी, तलाई जेवर और 5 अदद मोटरसाइकिल बरामद। 3 कमारबाज भी गिरफ्तार। कब्जे से दाव पर लगी 3 लाख रुपए की रकम और सामान बरामद। सीपीओ साहब का कहना था कि डकैतों व चोरों और समाज दुश्मन अनासर के साथ आनी हाथों से निपटते हुए शहरियों को अमन की फजा फराहम करेंगे। रिपोर्ट मोहम्मद रिजवान, पाक टीवी गुजरांवाला। आज साहिबान ज़ईफ़ान वेलफेयर सोसाइटी और शऊर ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर रैली का इनेकाद किया, जिसका मकसद मज़लूम फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती है। इस मौके पर साहिबान ज़ईफ़ान ओल्ड होम के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर निसार अली ने कहा कि फलस्तीनी भाइयों के साथ हैं, कश्मीरी और फलस्तीनी भाइयों पर होने वाले जुल्म की पुरजोर मजम्मत करते हैं। बेहिस मुस्लिम हुक्मरानों की मुजरमाना खामोशी मुतअद्दद सवालात उठा रही है। साहिबान ज़ईफ़ान की चेयरपर्सन मोहतरमा इजाज फरदाना लाली ने कहा कि मजलूम मुसलमानों पर होने वाले जुल्म की शदीद मजम्मत करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि पाक फौज को फलस्तीन भेजें और इसराइल के जुल्म को बज़ोर ताकत रोका जाए। शऊर ग्रुप की मिस खान डॉक्टर मोहम्मद अहमद और दीगर कारकुनान ने भरपूर शिरकत की। रैली में फलस्तीनी और कश्मीरियों के हक में नारे भी लगाए गए। अवाम ने बैनर भी उठा रखे थे जिन पर फलस्तीन के हक में मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। रिपोर्ट मलक सदीक हैदर मुस्तफाई, पाक टीवी चनेओट। डिप्टी कमिश्नर सैफ अनवर चब्बा ने कहा कि जिला के 12 वैक्सीनेशन सेंटर के लिए अब तक कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन की 1,20,000 डोज जारी की गई है। तमाम मराकज पर 1,17,000 डोज लगाई जा चुकी हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर, स्पोर्ट्स जिमनेजियम और लाला मूसा के दौरे के मौके पर किया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बजदार की हिदायत के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ने वैक्सीनेशन मराकज, स्पोर्ट्स जिमनेजियम गुजरात और लाला मूसा में अमला की हाजिरी चेक की और सेंटर में अमला की मुतअद्दद अहलकारों की बिला इजाजत गैर हाजिरी का सख्त नोटिस लेते हुए सीईओ हेल्थ डॉक्टर लतीफ अफजल को MSTHQ लाला मूसा को हिदायत की कि इन अहलकारों को इजहार वजूहा का नोटिस जारी किया जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि किसी अहलकार की लापरवाही की फराइज में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पोर्ट्स जिमनेजियम वैक्सीनेशन सेंटर में मुख्तलिफ काउंटर्स का मुआयना किया और वहाँ तैनात डॉक्टर्स व अमला से वैक्सीनेशन के अमल और सेंटर के इंतजाम शहरियों से सहूलियत के बारे में दरियाफ्त किया। रिपोर्ट जमील अहमद ताहिर, पाक टीवी, लाला मूसा।